हाय फ्रेंड, टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने बनाया एक वाटर पंप, आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप देख सकें। शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले आपको पीवीसी पाइप ले लेना है, लाइट फिटिंग में काम आता है ये। और इसकी 4.5 सेंटीमीटर लंबाई कट कर ली है। एक पीवीसी पाइप की हीटिंग ले सीड लेके इस पर मार्क कर लेंगे इस प्रकार से। 3 सर्कल कट कर लिए हैं, एक अंदर का, ये अंदर रोल करेगा। और एक पीवीसी पाइप ले लेना, इसको इस प्रकार से काट के फिर से और काट के 4 टुकड़े बनाने हैं। 4 टुकड़े बनाने हैं, इसको बीच में से और कट कर देना है इस प्रकार से। अब इसको सर्कल में चिपका देंगे बढ़िया तरीके से। इस प्रकार से बन चुका है ये सर्कल। अब आप इस मोटर को यूज़ कर सकते हो या फिर इस मोटर को, मैं इस मोटर को यूज़ कर रहा हूँ। एक और सर्कल लेंगे, इसके मिड में छेद कर लेंगे बढ़िया तरीके से। स्टड ग्लू से मोटर को चिपका देंगे, बिल्कुल वाटर प्रूफ बना रहे हैं हम इसको। इस प्रकार से मिड में करके फिर इसकी डायमेंशन लगा के पीछे का कैप बना लेंगे, स्टड ग्लू से चिपका देंगे। फिर इसके ऊपर का छेद होल करके एक पैप लगा देंगे इस प्रकार से। और इसके बीच मिड में होल करके इस प्रकार से चिपका देंगे। अब टेस्टिंग पे बात आती है इसकी, अब देखते हैं चलती है कि नहीं। ये कम इसलिए चल रही है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगे अभी। देखिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें हमें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगली वीडियो में मैं कूलर बनाऊँगा उसमें यूज़ हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।